हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डायमेंशंस रिलेटेड कुछ थियोरेटिकल पोर्शंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा वेस्ट टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली टॉपिक पे चलते हैं। पहले बात ये है डायमेंशनल क्वांटिटीज। तो डायमेंशनल क्वांटिटीज सबको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। पर इससे पहले नॉन डायमेंशनल क्वांटिटीज जैसे कि मान लो स्ट्रेन, फिर एंगल, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दीज आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। सो दीज क्वांटिटीज आर नॉट इंक्लूडेड अंडर दिस। डायमेंशनल क्वांटिटीज को दो डिविजन किया गया, पहला वाला डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स एंड देन डायमेंशनल वेरिएबल्स। ये क्या है, डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, तो देख लेते हैं। डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स, तो इसका डेफिनेशन ऐसा है कि कॉन्स्टेंट्स हैविंग डायमेंशंस आर कॉल्ड डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स। और इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बोल सकते हैं दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट विच इज नोटेड बाई कैपिटल जी। फिर प्लैंक्स कॉन्स्टेंट विच इज नोटेड बाई स्मॉल एच एटसेट्रा, और भी बहुत सारा है। तो ये सबको डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स कहा जाता है। मतलब ये जो जी है, जैसे कि जी का वैल्यू है क्या है 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर kg^-2। तो इट इज़ ए डायमेंशनल क्वांटिटी, और ये है इसका यूनिट, मतलब इसे कुछ डायमेंशन भी निकल जाएगा, और इसका वैल्यू है हमेशा फिक्स्ड रहता है। दिस इज इनवेरिएबल अक्रॉस द यूनिवर्स। सिमिलरली प्लैंक्स कॉन्स्टेंट जैसे कि एच, इसका वैल्यू क्या है, 6.63 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर kg/s। दिस इज 34। तो इसका कुछ डायमेंशन है और साथ ही साथ एक फिक्स्ड वैल्यू है। दूसरा और क्या है, डायमेंशनल वेरिएबल्स। यहाँ पे क्या है, एक्चुअली द फिजिकल क्वांटिटीज which have dimensions but does not bear a fixed value are called dimensional variables. एग्जाम्पल्स आर जैसे मान लो किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लोग बोल रहे हैं दिस इज 5 न्यूटन, ओके, अनदर फोर्स विच इज 100 न्यूटन, ओके। सो इन बोथ दिस केसेस दिस 5 न्यूटन न्यूटन का एन और यहाँ पर 100 न्यूटन का एन, ये जो न्यूटन है इसका एक डायमेंशन है जो सेम इन बोथ दिस केसेस, बट दिस न्यूमेरिक वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम दिस आर टू हैविंग टू डिफरेंट वैल्यूज। सो ये सब क्वान्टिटीज जिसका, जैसे कि इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है बट इसका डायमेंशन हमेशा सेम रहते हैं, सच काइंड ऑफ क्वान्टिटीज आर नोन एज डायमेंशनल वेरिएबल्स। ओके, देन हियर कम्स डायमेंशनलेस क्वान्टिटीज। तो डेफिनेशन से नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होगा, द क्वांटिटीज दोज क्वांटिटीज विच
does not have any dimension are called dimensionless quantities. And the examples are radian ni solve plane angle bol dete plane angle फिर सॉलिड एंगल फिर स्ट्रेन देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशन क्यों नहीं है, बिकॉज दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन बेकॉम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम. सो इन बोथ दिस केसेस वी हैव यूनिट्स ऑफ बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी हैव यूनिट्स ऑफ स्पीड, दे विल कैंसिल ईच अदर, सो this is a unitless or dimensionless quantity index etc. ये हो गया, ठीक है. अब इरेज कर लेते हैं. अभी हम बात करेंगे डायमेंशन फॉर्मूला का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायमेंशन फॉर्मूलास, पहला वाला द डायमेंशन इक्वेशन और फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी does not depend on the system of units. जैसे कि मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ, जैसे कि हम लोगों ने लिखा है 5 meter, एंड दिस इज इन SI सिस्टम, ओके, एंड द फिजिकल क्वांटिटी इज नथिंग बट लेंथ, ठीक है. तो यहाँ पे इसका जो डायमेंशन निकलेगा वो क्या है, M0 L1 T0, राइट. अनदर ऑब्जेक्ट आफ्टर मेजरिंग इट इज एक्सप्रेस्ड एज लेट्स कंसीडर 5 feet, ओके, एंड द यूनिट सिस्टम हियर यूज्ड इज FPS सिस्टम, द क्वांटिटी इज सेम लेंथ एंड द डायमेंशन इज ऑल्सो सेम, दैट इज M0 L1 T0. इवन इफ यू कंसीडर दैट there is another length that is 5 centimeter, unit system is CGS and the name of the quantity is length, hence the dimension is also M0L1T0. So we see that whatever be the unit system, SI system, FPS, CGS, it doesn't matter what the considered system is. In all these cases we find that for same physical quantity we always have same dimension formula also. The next point is quantities having same dimensions can be added or subtracted from each other. जैसे कि देख मान लो हम लोग यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भले ही ये बात है, ठीक है, कि 5 meter से हम लोग डायरेक्टली 5 feet को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, पर अगर मैं 5 feet को मीटर में कन्वर्ट कर लूँ फिर तो मैं इस 5 meter से इस 5 feet को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. पर यहाँ पे अगर कोई दूसरा क्वांटिटी ऐसा मान लो कि 5 kg विच इज ऑल्सो इन SI सिस्टम एंड द नेम ऑफ द क्वांटिटी इज मास, राइट, यहाँ पे डायमेंशन क्या है, M1 L0 T0. यहाँ पे ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, डायमेंशन भी डिफरेंट है. सो इन सच केसेस इफ यू कंसीडर दीज टू क्वांटिटीज
here it is length and here it is mass. In this case 5 meter से हम लोग 5 kg को subtract नहीं कर सकते because these are two different physical quantities. But if they are, even if they are in different systems, but they are or belongs to the same physical quantity, we easily can subtract. Or obviously they must have same dimensions. अगर some dimensions रहेगा तो हम लोग इन दोनों को subtract कर सकते हैं या add कर सकते हैं, ठीक है? But if they are having different dimensions, this is not possible to add or subtract these two quantities. Okay? The third point is two different physical quantities may have same dimensions. जैसे कि प्रेशर का क्या है फॉर्मूला, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, और यहाँ पे डायमेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स का है m1 l1 t - 2 डिवाइडेड बाय l2 एरिया का डायमेंशन, दिस इज इक्वल्स टू m1 l - 1 t - 2, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला. अगेन इफ यू कंसीडर कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी which is equals to stress by strain. Already हमें पता है कि strain is a dimensionless quantity. तो ऊपर जो stress का है, this is force by area divided by no dimension. तो आखिर में ये क्या हो गया, force by area which is equals to force by area. यहाँ पे भी force by area ही था, तो इसका भी dimension क्या हो जाएगा, m1 L - 1 T - 2. So here we see that this is pressure, this is coefficient of elasticity, both are completely different physical quantities, but we find that they are having same dimension formulas. Fourth point is if two or more different physical quantities are multiplied or divided a new third quantity will be generated. वो कैसे, जैसे कि मान लो हम लोगों ने मेजर किया लेंथ का, ठीक है, अलग से हम लोगों ने मेजर किया टाइम का. तो लेंथ मेजर किया है, साथ ही साथ टाइम भी मेजर किया, और इस क्वांटिटी के जरिए पहले वाला जिसकी लेंथ को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया. तो यहाँ पे हम लोग यूनिट ले लेते हैं इसका मीटर, और यहाँ पे सेकंड. तो आखिर में क्या हुआ इसका डिवीजन के बाद, मीटर पर सेकंड. और ये मीटर पर सेकंड क्या है एक्चुअली, वेलोसिटी. तो ये एक डिफरेंट क्वांटिटी, इसको दूसरा डिफरेंट क्वांटिटी से डिवाइड किया, और आखिर में जो मिल गया हम लोगों को, दिस इज वेलोसिटी, दैट इज ए थर्ड न्यू क्वांटिटी, ठीक है. सो दिस आर ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायमेंशनल फार्मूलाज. नाउ वी विल टॉक अबाउट द limitations of dimension formulas. Limitations. Of dimension formulas. So the first point is it gives us no idea regarding the dimensionless constants
प्रेजेंट इन एन इक्वेशन, जैसे कि एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या मान लो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम टी स्क्वायर। तो जब भी हम लोग काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन निकलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मास को और वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे ये जो हाफ है डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसका कोई एक्सिस्टेंस या यूज नहीं रहता है। तो ये एक लिमिटेशन है। एक्चुअली क्या है, हम लोग यूनिट से डायमेंशन निकल सकते हैं और डायमेंशन से भी यूनिट निकल सकते हैं, पर यहाँ पे ये जो जब भी हम लोग क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं डायमेंशन के जरिए, सामने ये जो डायमेंशनलेस कंस्टेंट्स क्या है इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू क्वांटिटीज इन्वॉल्विंग logarithmic functions, फिर trigonometric ratios, फिर exponential functions, etc. ये सब स्पेशल फंक्शंस यूज़ किए गया इक्वेशंस में डायमेंशनल मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज ए डायमेंशनल इक्वेशन इक्वेशन इज नॉट एनफ टू जस्टिफाई the correctness of an equation। Actually क्या होता है, हम लोग ये तरीके यूज करते हैं, जैसे कि मान लो डिस्टेंस इक्वेशन क्या है, s equals to ut plus half a t square। तो किसी भी ऐसा इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, तो ऐसा रहता है कि ये जो इक्वेशन, इसका जो लेफ्ट साइड में जो है s दिया हुआ है, इसका जो डायमेंशन रहेगा, दिस डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ दिस टर्म दैट इज ut, और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, फिर ए टी स्क्वायर के साथ भी मिलेगा। मतलब इंडिविजुअली दिस डायमेंशन ऑफ s इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ut इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब सबका सब एक होना ही चाहिए। जैसे कि मान लो e इक्वल्स टू h nu, दिस इज another इक्वेशन, तो डायमेंशन ऑफ e हमेशा डायमेंशन ऑफ h nu के समान होना ही चाहिए। अगर ये नहीं होता है, दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज नॉट डायमेंशन करेक्ट। तो ये जो मतलब टू जस्टिफाई करने का तरीका है, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। व्हाई इट इज नॉट ट्रू, बिकॉज इफ यू सी काइनेटिक एनर्जी, वी नो व्हाट इज द एनर्जी डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ओके, दिस इज इक्वल्स टू m1 l2 t - 2, ओके। नाउ दिस इज वेल नोन इक्वेशन दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों का भी डायमेंशन कंसिडर कर लें, देन दिस टू साइड्स विल बी इक्वल्स टू इक्वल्स। बट नाउ इफ यू आर गिवन दैट दिस इज एनर्जी इक्वल्स टू 1/3 एम बी स्क्वायर, अगर तुमको बोला गया कि जस्टिफाई दिस इक्वेशन वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, तो यहाँ पे एनर्जी का तो डायमेंशन हमें मिल जाएगा और यहाँ पे भी डायमेंशन सेम ही मिल जाएगा। डायमेंशन वी फाइंड दैट दिस इक्वेशन इज करेक्ट, बट प्रैक्टिकली वी नो दैट नो, इफ इट इज 1/3 देन दिस इज नॉट करेक्ट, इट मस्ट बी हाफ। सो इन दैट केस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट। दैट्स व्हाई वी से दैट डायमेंशनल करेक्ट इज द वे इफ यू चूज to justify whether equation is correct or not, this will not be enough to justify के मतलब इस तरीके से अगर हम लोग इसको justify करें तो हमेशा सही नहीं रहेगा, मतलब this is not enough to justify an equation। The next point is this method cannot be applied to equations involving more than
थ्री इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज लाइक एम एल एंड टी, इससे ज़्यादा क्वांटिटी को इन्वॉल्व किया गया तो डायमेंशनल मेथड हमेशा यूज नहीं किया जा सकता. सो दिस आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल फार्मूलाज. अभी हम लोग एक दूसरा प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, इसे डिस्कस कर लेते हैं. According to this principle, an equation is correct only when the various terms on either side of the equation are dimensionally correct. So this is the statement. ये actually क्या मैसेज दे रहा है, जैसे कि मान लो कोई एक इक्वेशन है ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी. तो पहले हम लोग ऐसे एक इक्वेशन लेते हैं व्हेयर एक्स इज इक्वल्स टू वाई. तो ये इक्वेशन अगर करेक्ट होना है तो इससे पहले क्या होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ वाई. और अगर ऐसा नहीं है, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट साइड इज नॉट इक्वल्स टू द डायमेंशन ऑफ राइट साइड, दैन दिस इज नॉट ए वैलिड इक्वेशन, दिस इज नॉट ए करेक्ट इक्वेशन, राइट. And according to this principle, it states that if there are more than, suppose there are more than two terms, then individually dimension of this first term must be equal to the dimension of the second term, must be equal to the dimension of this third term. So this is the principle of homogeneity. और यहीं पे हम लोगों को ये dimensions का theoretical portions का finish हो जाते हैं. अभी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है स्टूडेंट्स लोगों के लिए. देखो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों क्लासेस मिला के हम लोगों को शायद 200 के आसपास फिजिकल क्वांटिटीज मिल जाएगा और सबका डायमेंशंस भी स्टडी करना पड़ेगा. अगर तुम लोग ये सभी क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूलाज सीखना शुरू कर दोगे तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि कितना तुम सीख लोगे. तो इससे बेहतर हम लोग ये इसको अच्छी तरह से समझ लें और फिर ये खुद मतलब इसको सॉल्व करना सीख ले तो ये आसान रहेगा, सीखने का कोई ज़रूरत भी नहीं है और ये पॉसिबल भी नहीं है सभी क्वांटिटी को तुम करके सीख लोगे, ठीक है. तो ये सीखना बंद करो और बस अच्छी तरह से समझ लो, ठीक है.